जब एरिक गार्सिया ने पास मांग रहा था, जब वो पीछे आ रहा था तब पास नहीं दिया, जब उसने बॉडी की ओरिएंटेशन से दिखा दिया कि पास पीछे रिसीव नहीं करेगा और अपनी बॉडी के पास या फिर आगे जाते हुए रिसीव करेगा, तब टर्स्टेगन ने एक एक गंदा सा मरियल मरियल सा पिलपिल पिलपिला सा पास, अंडर हिट पास दिया और ऑब्वियसली रेड कार्ड। और फिर तुम्हें पता है भाई भाई, जो टेर चट्टा तिल चट्टे वाली कीपिंग करी है चार्ट, यू नो द इनफेमस पोज, द इनफेमस हेयर स्टाइल, द गेज, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो कीपर है, इसने बार्सा को पिछले 5 साल से, मजाक भी नहीं कर रहा, 5 साल से चैंपियंस लीग फुटबॉल में इतना 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 सब्जेक्ट करा है ना, टू टू तबाही, मैं बोल नहीं सकता भाई। इट्स एक प्लेयर को टारगेट करना कभी भी अच्छा नहीं लगता, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू, भाई ये सच्चाई बतानी पड़ेगी। टेर स्टेगन ने जो कल किया, इट वाज क्रेजी भाई। और इनफैक्ट सबको पता ही है क्या हो रहा था टेर स्टेगन का। आई रिमेम्बर मैंने जब शावी के अंडर लीग टाइटल जीता था, तब बोला था कि भाई टेर स्टेगन को सेल करने का बेस्ट टाइम है, और उसके बाद से एक और सीजन जा चुका है, दिस इज सेकंड सीजन आफ्टर दैट लीग टाइटल वो खेलेगा। अब ऑनेस्टली इसका सॉल्यूशन मे बी 35 मिलियन में लिवरपूल ले गई। आर्सेनल ने डेविड राया साइन किया आफ्टर रामसडेल पे पैसे खर्च करने के बाद, वाइस खेल रहा है लास पाल्मास में, तो भाई कीपर्स हैं। मे बी बार्सा की स्काउटिंग टीम इतना ट्रस्ट नहीं करती भाई। आई थिंक अ चेंज इज नीडेड, क्योंकि ये जो कल हुआ भाई, वो जो त्रिकोण आसन, वो पता नहीं क्या हो रहा था भाई। आई डोंट इवन नो भाई टेर स्टेगन के साथ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम आई थिंक बार्सा के लिए, और स्पेशली इन गेम से, बड़े गेम से, जब ये जरूरत पड़ती है कि कीपर मिस्टेक्स ना करे भाई। इट्स द मिस्टेक्स, आई कांट टेक देम एनी मोर। बात करनी जरूरी है कि मोनाको ने 10 मैन बार्सा के अगेंस्ट अपना प्लान ऑलमोस्ट परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। आई थिंक कोई भी गड़बड़ नहीं थी, यू कैन नॉट मे लाइक, मतलब कोई क्लेम नहीं बना सकते कि मोनाको कहीं से भी बेकार थे। आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट गेम फ्रॉम मोनाको, और मैं उन्हीं के प्लान से स्टार्ट करूंगा। पता है, स्मार्ट कोच, स्मार्ट टीम, उनको पता था 10 मैन बार्सा है, और जैसा बार्सा खेलना चाह रही थी इवन विद 10 मैन, सबसे सिंपल सॉल्यूशन था कि लास्ट लाइन को तुम ओवरलोड करो और बहुत सारे प्लेयर्स बोल भेजो, और उन्होंने थ्रू आउट द गेम ये किया भाई, तीन तीन बंदे, चार चार बंदे, लास्ट लाइन को ओवरलोड करना, लास्ट लाइन पे, दे न्यू व्हाट दे हैड टू डू। तो वो आई थिंक मोनाको का प्लान अच्छा था। और बिफोर कोई भी और प्लेयर की बात करो भाई, मोनाको के आए थे अखलियुज, बेन सेगेर, ये सब बंदे बहुत अच्छे थे, लेकिन भाई आई हैव टू टॉक अबाउट विल्फ्रीड सिंगो। टोरिनो से गया था मोनाको, प्लेड इज फर्स्ट सीजन, मोस्टली जब मैंने देखा था सेंटर बैक से खेल रहा था, राइट सेंटर बैक, थ्री थ्री एट द बैक पे। कल खेला फुल बैक, खेला राइट बैक, और भाई उसने मास्टर क्लास कर दी चाट। और तुम भाई, उसने दो तीन बार तो ऐसे लास्ट लाइन डिफेंडिंग करी, उसने दिखाया कि वो लास्ट लाइन डिफेंडिंग कर सकता है, उसने दिखाया वो पासिंग कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये भयानक प्लेयर था, इट वॉज अ मास्टर क्लास मेरे हिसाब से, सिंगो वॉज अमेजिंग। और भाई आई थिंक कोई भी बिग क्लब जिसको राइट बैक की जरूरत है, आई थिंक दे मस्ट लुक एट हिम, सुपर प्रोफाइल, सुपर प्लेयर। और भाई बार्सा की बात करूँ तो क्या बोलूँ भाई, आई थिंक बार्सा के लिए सबसे, जिन प्लेयर्स के बारे में मैं कुछ, मतलब जिनकी कंप्लेंट नहीं कर सकता, वो था इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी। आई थिंक फ्लॉलेस गेम दर्शा दिया भाई कुबार्सी ने, स्पेशली क्योंकि वो 17 साल का है, और इट वॉज अ वेरी टफ गेम, फिजिकली भी चैलेंजिंग था, क्योंकि 10 मैन के साथ थोड़ी हाई लाइन खेलना, और इट वॉज चैलेंजिंग फिजिकली भी, पर उसने जो खेला अमेजिंग गेम, इनिगो मार्टिनेज एज वेल। आई थिंक भाई आई हैव नो कंप्लेंट्स डिफेंस के हिसाब की तरफ से, मे बी बाल्दे एक दो जगह अच्छा हो सकता था, पर आई कांट कंप्लेन भाई, चार्ट जितना डिफेंस से हो सकता था उतना करा। कसाडो ने अपनी अपने पैरों की शहादत दे दी, इतना भागा इतना भागा। पर भाई भाई बार्सा का जो चैंपियंस लीग में जो कर्स है, आई डोंट इवन नो भाई, इट्स आई थिंक मैंने गलती करी कि मैं होप करता हूँ, हम गलती करते हैं बार्सा फैंस की भाई, हर चैंपियंस लीग सीजन में जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ बदलेगा, कुछ होएगा, बट नथिंग एवर चेंजेस। आई थिंक बार्सा के साथ और चैंपियंस लीग भाई, अब ये होना ही नहीं भाई, आई डोंट इवन नो भाई, हर बार कैसे हो सकता है, हर बार। पिछली बार अराउहो का रेड कार्ड हुआ था, इस बार एरिक गार्सिया का रेड कार्ड। और मुझे ये बताओ भाई कि हमेशा बार्स लाइक ये मिस्टेक्स हो कैसे, लाइक क्या हमारे पास वैसे प्लेयर्स नहीं है, क्या बार्सा के पास वैसे प्लेयर्स नहीं है जो डिसीजन का वेट नाप सके, नाप तोल कर दें? क्योंकि अराउओ ने जो डिसीजन लिया था कि वहां पे फाउल करने का, गोल खा लेता तो बार्सा वुड हैव गॉन थ्रू पीएसजी के अगेंस्ट, राइट? रेड कार्ड लेना वॉज द बैड डिसीजन, सेम विद एरिक गार्सिया। आई थिंक अब एरिक गार्सिया को ब्लेम करना गलत है, क्योंकि पास बहुत मुश्किल था, एंड उससे पहली गलती हो चुकी थी, लाइक टेर स्टेगन की गलती उसको प्रोसीड करती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि भाई गोल खा लो ना यार,
रेड कार्ड ले ले तो रेड कार्ड के बाद कोई चांस नहीं बचता, इट्स इम्पॉसिबल। रेड कार्ड के बाद इट वॉज इम्पॉसिबल। और आई नो कि गेम स्टेट ने थोड़ा हेल्प किया था, लमीन का जब गोल आया भाई, लमीन मैं क्या ही बोलूं भाई, पैर छू लो उसके, लमीन ने, लमीन भाई स्पेशल प्लेयर, स्पेशल, वी आर वॉचिंग समथिंग स्पेशल। आई एम सो कन्विंस्ड इस बंदे, इसने पिछले गेम में ब्रेस मारी, इस गेम में लाइक जब गोल चाहिए था तब गोल मारा, उसके उसकी आंखों में अब दिखता है कि ही नोज व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, और वो खतरनाक चीज। आई थिंक लमीन इज रीचिंग वेरी डेंजरस लेवल, फ्लड गेट्स ओपन हो रहे हैं। आई थिंक भाई ही इज अनाउंसिंग हिमसेल्फ, आई थिंक एवरीवन शुड बी रेडी फॉर व्हाट्स टू कम, ही इज अमेजिंग। पर लमीन का जो गोल था, आई थिंक वो बार्सा को इतना पॉजिटिव गेम स्टेट दिया था उसने। लमीन के गोल के बाद और एक दो चांसेस बने थे, हम फाइनल थर्ड एंटर कर रहे थे बार बार कर रहे थे। एक रफीनिया का चांस आई रिमेंबर, जिसपे सिंगो भयंकर लास्ट लाइन डिफेंडिंग करता है। फिर सेकंड हाफ में एक और रफीनिया पे चांस आता है, जब रफीनिया टच खराब कर देता है आई थिंक। तो बार्सा के पास मोमेंट्स अच्छे गेम स्टेट के, और मेरे को स्पेशली पसंद आया था बार्सा का सेकंड हाफ, लाइक अनटिल मोनाको ने गोल नहीं मारा था तब तक मेरे को लग रहा था बार्सा का प्लान अच्छा वर्क कर रहा है। हांसी फ्लिक मोर और लेस ही कंट्रोल्ड द गेम, बट मेरे को लग रहा था कि इट वॉज नॉट इट दैट बैड अ प्लान। मतलब ऑल दो हाई लाइन खेल रहे थे, ऑफ साइड ट्रैप कर रही थी बार्सा, रिस्की काम था, लेकिन इतना बुरा नहीं था, इट वॉजन दैट डेंजरस मेरे हिसाब से, और बार्सा काफी सक्सेसफुल थी। लेकिन तुम केस बना सकते हो कि क्या बार्सा की कुछ प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हुए हैं? तो हमेशा लाइक बार्सा की प्रॉब्लम थी क्या हिस्टोरिकली चैंपियंस लीग में, वो थी कि बार्सा कितना विदाउट द बॉल गेम कंट्रोल कर रही है। और आई थिंक ये तुम मुझे कॉमेंट्स में बताना, डू यू थिंक बार्सा कंट्रोल द गेम विदाउट द बॉल इतना ज्यादा? यू कैन प्रॉब्लम मेक अ केस कि कुछ सेकेंड हाफ के पीरियड्स है जब बार्सा ने अच्छा डिफेंड भी किया, अच्छी बॉल भी रखी, बट ऑब्वियसली इट वॉज गोइंग टू बी टफ। मैं इतने डूम्स डे के घंटे बजाने नहीं चाहता, 10 मैन के साथ 90 मिनट खेलना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड इट, बट भाई आई थिंक यार ये ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी बार्सा का गेम देखने बैठता हूँ तब ये हरकतें होती हैं भाई, मैं थक चुका हूँ, मैं मेरे अंदर से वो होप, मेरे अंदर से चैंपियंस लीग को देखने का मन जा चुका है यार, आई कांट एंजॉय भाई, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई एंजॉयड चैंपियंस लीग, आई डोंट इवन रिमेंबर, आई डोंट नो भाई क्यों होता है बार्सा के साथ हमेशा चैंपियंस लीग में। पर भाई आई थिंक सम अच्छा हुआ कि अब हार गए, आई थिंक इट्स बेटर टू लूज नाउ, कि तुम जल्दी ज्यादा पीक कर जाते हो ना अर्ली, फिर जल्दी तुम्हें मीन पे रिग्रेस भी करना पड़ता है। आई थिंक बार्सा वाज थोड़ा पीकिंग वेरी अर्ली, और अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लाइक मतलब हो सकता है अगले गेम से दोबारा बार्सा स्टार्ट्स फायरिंग अगेन, बट आई थिंक ये दिस वाज द बेस्ट काइंड ऑफ लॉस बार्सा कुड हैव हैड। तुमने पिछले 4-5 गेम में 17 गोल मारे तुमने ला लीगा में, और उसके बाद आके तुम चैंपियंस लीग में 10 मैन होके हार जाते हो, आई थिंक इट्स नॉट द वर्स्ट लॉस हांसी फ्लिक वुड हैव होप्ड फॉर, तो दैट इज गुड। और अभी देखते हैं लाइक कैसा एवोल्यूशन रहता है एक लॉस के बाद, आई थिंक साइकोलॉजिकल हिट तो होता ही है चैंपियंस लीग का पहला गेम हारना। अब बार्सा के शायद नेक्स्ट दो गेम्स बायर्न और डॉर्टमुंड है, और दोनों आर लाइक बायर्न तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट गेम है, डॉर्टमुंड विल भी डिफिकल्ट एज वेल, और स्पेशली अगर कुछ 10 मैन हरकत होती है, आई थिंक सब कुछ बार्सा के फेवर में नहीं है, रेफरिंग वगैरह यू नो मतलब समझ लो लाइक हरकतें होती हैं, तो अगर कुछ हो गया तो इन गेम्स में भी गड़बड़ हो सकती है ऑब्वियसली। कैन बार्सा कम्पीट विद बायर्न? आई थिंक सो फॉर श्योर भाई, मतलब आई थिंक प्लेयर्स हैं वहाँ, ऑल दो इंजरीज थोड़ा सब्जेक्ट करती है बार्सा को एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले खेलने पे, लेकिन भाई आई थिंक यू नीड टू बिलीव हांसी फ्लिक एस्पेशली हैप्पी था गेम के बाद, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि आई सॉ मेनी पॉजिटिव थिंग्स इस गेम के बाद, तो भाई हांसी फ्लिक सी समथिंग जो मे बी हम जो डूम्स डे के घंटे बजा रहे हैं उनको नहीं दिख रहा, तो भाई यू हैव टू ट्रस्ट द कोच, आई थिंक हांसी फ्लिक अभी तक अच्छा काम कर रहा है। और भाई देखते हैं भाई, मेरे को कमेंट्स में बताना क्या बार्सा का जो ये ऑफ द बॉल प्लान था, डिड इट कंट्रोल द गेम टू मच, और शुड हैव दे गॉन फॉर लाइक अ थोड़ा लो ब्लॉक ज्यादा पीछे बैठ के, पर आई थिंक तब काउंटर करना मुश्किल होता भाई चार्ट। आई थिंक यू कैन मेक अ केस फॉर एवरीथिंग, यू कैन मेक अ केस कि भाई ये प्लान अच्छा था लाइक आंजे पोस्टेकोग्लू बोलता, या फिर यू कैन मेक अ केस कि ये ज्यादा ही सिनिकल था भाई, इतना भी तुम्हें इतना आइडियलिस्ट नहीं होना चाहिए, बट टेर स्टेगन भाई इस तिलचट्टे के भाई मैं तिलचट्टों के बारे में बात करना नहीं चाहता ऑनेस्टली।